एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो अपना टॉपिक आप देख रहे हो, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गाइस, प्रेग्नेंट होना स्वाभाविक है, बहुत सही बात होती है, पर कई बार ये बात गलत भी हो जाती है। तो अपन बिना किसी रुकावट के टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से बुक्स से कंटेंट उठा के फिर बनाई गई वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और शॉर्ट व्यू है एकदम, मतलब जितना अपने को समझ आ सकता है उस हिसाब से बनाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले अपन पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी, फिर उसको फिर पढ़ेंगे अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन। नॉर्मल नेम देखे तो अबॉर्शन। तो आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पहचानने के क्या साधन है, क्या साइन है, क्या सिम्टम है, उन सभी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट वन मैंने लिखा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ओके गाइस, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने बर्थ कंट्रोल मेथड में भी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल का ओवम, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं और फ्यूजन होके एक गेमेट का प्रोडक्शन करते हैं, एक एम्ब्रियो प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो वो एम्ब्रियो क्या होता है, कहाँ पे जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में जाके वो प्लेस होता है, वो इम्प्लांट होता है वहां पे। क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, यूट्रस की एक वॉल पे जाके चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि कुछ कुछ साइन अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे अपन पढ़े अगर तो, व्हेन फीटस इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ब्लीडिंग अकर, एक ब्लीडिंग होती है। कोई भी चीज जब दूसरी चीज के चिपकती है तो उस पर प्रेशर लगाएगा, उसको चिपकाएगा, तो मतलब वहां से कुछ डैमेज होता है, तो कुछ ब्लीडिंग अकर होती है, जो क्या होती है, पिंकी स्पॉट, स्पॉट टाइप में होती है। यानी स्पॉट कैसे होते हैं, ये वाले ऐसे ऐसे स्पॉट टाइप में ब्लीडिंग होती है। ओके, जो कहां पे कब अकर होती है, 10-14 डेज आफ्टर कंसेप्शन, यानी आफ्टर सेक्स के 10-14 दिन के बाद जो अकर होती है। गाइज, ये तो 10-14 दिन बाद जो है बुक्स में लिखी हुई है। नॉर्मली अगर अपन देखें तो अपना जो स्पर्म है वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक। ओके, 48 आवर्स तक वो रह सकता है। ओके, 48 आवर्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 3 दिन के बाद में एक दिन फर्टिलाइजेशन का मान लो, तो यानी 5-6 डेज नॉर्मली अपना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल जाती है। अब बात आती है कि ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग से अपने को कैसे पता लगे कि ये पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे 3-4 लिखे हैं, 3-4 डिफरेंस इनमें। तो एक तरह इम्प्लांटेशन, एक तरह पीरियड है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग क्या होती है, स्पॉट टाइप में होती है, और पीरियड की ब्लीडिंग क्या होती है, फ्लो टाइप में होती है, नॉर्मल फ्लो टाइप में होती है। ओके, स्पॉट्स अपने को कभी देखने को मिलते हैं, कभी नहीं हुई, कभी हुई, कभी नहीं हुई, ऐसे टाइप में होता है। फिर इम्प्लांटेशन जो होता है 9 डेज आफ्टर अनसेफ कंसेप्शन होता है। मैंने बताया 6-10 डेज, 12 डेज या समथिंग, मतलब 9 दिन बाद जस्ट आपने कोई अनसेफ इंटरकोर्स किया, अनसेफ सेक्स किया, उसके 9th डे में अपने को देखने को मिलती है। बट पीरियड क्या होता है, 14 डे आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के 14 डे, मतलब किसी लेडी के अगर पीरियड 2 को आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है पीरियड भी 2 को ही देखने को मिलेंगे, या फिर 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 दिन हो गए, या 5-7 डेज ऊपर नीचे चलता रहता है। ओके, तो अब आता है ड्यूरेशन की बात। ड्यूरेशन से भी अपन पता कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन की या पीरियड की है। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 1-2 डेज होता है, पर जो पीरियड की ड्यूरेशन होता है वो 4-7 डेज होता है। ओके, फिर पिंकिश और ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है पिंकिश और ब्लैक कलर की होती है, पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है डार्क रेड की होती है। ओके, नाउ वी कम्स ऑन अनदर फैक्टर, दैट इज टेंडरनेस एंड स्वेलन प्रेस। टेंडरनेस मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं अपने सेंसिटिव हो जाते हैं, सोर होने लग जाते हैं, थोड़ा स्वेलन होने लग जाता है। ओके,
अनदर वन इज नोजिया और वोमिटिंग। ये अपन जानते हैं नोजिया वोमिटिंग, वोमिटिंग सब जानते हैं, नोजिया भी सब जानते हैं, और मॉर्निंग सिकनेस सुबह उठते जब थोड़ी जुकाम टाइप रहती है। ओके, इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन यूरिन का पास आउट होना, बढ़ जाना, बार 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 वॉशरूम के लिए जाना, फैटिक हो जाना। फैटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज में मन नहीं लगना या यू कैन एनर्जी नहीं होना बॉडी में। ओके, अनदर इज मिस्ड पीरियड, दैट इज द मोस्ट फैक्टर। मतलब ज्यादातर जो बंदे पहचान करते हैं, जो भी पहचान नहीं करते हैं वो मिस पीरियड से ही करते हैं कि किसी के पीरियड नहीं आया लेडी को तो प्रेग्नेंट हो गई है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन ओवुलेशन एंड प्रेगनेंसी। अब बात आती है कि कुछ लोग पहचान करते हैं जैसे पैन वगैरह से। ओके, स्पॉटिंग वगैरह भी होती है, पैन वगैरह से पहचान करते हैं। तो गाइज, ओवुलेशन के सिम्टम भी नोजिया और वोमिटिंग कंक्लूड करते हैं। ओवुलेशन के सिम्टम में भी लाइट स्पॉटिंग इंक्लूड की जाती है। ओवुलेशन के सिम्टम में भी माइल्ड क्रैम्प्स इंक्लूड किया जाता है। तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये प्रेगनेंसी है या फिर ओवुलेशन है? ओवुलेशन हर वो सिम्टम रखती है जो कि अपन प्रेग्नेंट होने के बाद जो अपने को सिम्टम दिखाई देते हैं। ओके, तो डिफरेंस देख लेते हैं अपन। ओवुलेशन और प्रेगनेंसी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओवुलेशन जो होता है 13-17 डे अकर होता है, बट प्रेगनेंसी जो होती है कहाँ, अनसेफ इंटरकोर्स के बाद अकर होती है, और एक लाइट स्पॉटिंग अकर होती है किसमें, ओवुलेशन में, और प्रेगनेंसी में भी लाइट स्पॉटिंग होती है। माइल्ड क्रैम्प होता है लो एब्डोमेन में, इसमें भी क्रैम्प होता है। तो ये तो कोई पहचान नहीं हुई, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ इस चीज का। तो अब अपना मोस्ट जो फैक्टर है जिससे ज्यादातर लोग पहचान करते हैं, दो फैक्टर होते हैं जिसमें ज्यादातर लोग पहचान करते हैं। पहला था अपना मिस्ड पीरियड और दूसरा है अपना यूपीटी। यूपीटी मतलब यूरिनरी प्रेगनेंसी किट। ओके, 40 रुपए का आता है मार्केट में, 40-50 रुपए समथिंग आता है, प्रेगन यूज के नाम से आता है। इसमें क्या करते हैं अपन, आइडेंटिफाई करते हैं प्रेगनेंसी की। इसमें दो लाइन्स होती है टी और सी की। ओके, तो जब दोनों लाइन आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है। बट अगर ए की लाइन रहती है, सी पे लाइन रहती है और टी पे लाइन नहीं रहती तो मतलब पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो गाइस एक चीज और नोटिस करने वाले, टी पे अगर शॉर्ट मतलब लाइट लाइन भी अगर अपने को शो होती है तो उसका मेन मकसद भी प्रेगनेंसी होना ही है। क्योंकि वो लाइट लाइन शो क्यों होती है, क्योंकि अपन जल्दी इसको यूज में ले लेते हैं। ये अपना इफेक्ट कब दिखाता है, जब अपना इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, ये इफेक्ट दिखाना चालू करता है। उसके बाद में क्या होती है, अपनी हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है। ओके, तो ये था। अब यूपीटी को अपन कब इस्तेमाल करना है, कम से कम 6 डेज आफ्टर एवरी अनसेफ कंसेप्शन। ओके, तो ये थे अपने मेन फैक्टर जिससे अपन प्रेगनेंसी की पहचान कर सकते हैं। ये सब बुक से लिए गए कंटेंट है। हो सकता है कि ये आपको सिम्टम दिखाई दे, हो सकता है आपको ये सिम्टम नहीं भी दिखाई दे, तो आप इसके लिए सीधे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कम्स ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। अबॉर्शन गाइज इलीगल है इंडिया में भी, और अदर कंट्री में तो ये थोड़ा बहुत भी लीगल नहीं है। अपने यहाँ थोड़ा बहुत ही लीगल है, किसके द्वारा, एक्ट ऑफ 1971, बट ये कुछ केस इंक्लूड करता है उन्हीं में ये लीगल है। आप ऐसे कोई भी अबॉर्शन नहीं करा सकते एक हेल्थी वुमेन की, या कोई मैरिज से पहले आपने इंटरकोर्स किया उसमें आप प्रेगनेंसी अचीव हो गई आपके पार्टनर को, तो आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, ये इलीगल है। ओके, तो लीगल कब कब है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ जो केसेज है, जैसे अगर प्रेगनेंसी रेप के द्वारा हुई हो, या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब वुमेन है, उसको किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया हो, या फिर वो अपनी इच्छा से प्रेग्नेंट हुई हो, तो मेंटल जिसके अबनॉर्मलिटीज है वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती तो बच्चे का कैसे रखेगी, इसके लिए क्या किया गया है कि एमटीपी उसके लिए लीगल किया गया है। ओके, देयर इज रिस्क ऑफ चाइल्ड एंड मदर लाइफ, अगर प्रेगनेंसी में किसी एक को खतरा है, या तो बच्चे की जान को खतरा है या फिर मदर की जान को खतरा है। कई बार देखा होगा आपने हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर मदर को बचा सकते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, अपन अबॉर्शन करा सकते हैं। ओके, नाउ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें मेरे भाई कुछ ऐसे बात लगेंगे कि अपन, मैंने तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था उसके बाद में हो गई तो मैं अबॉर्शन करा सकता हूँ, नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं, किसी डॉक्टर के नीचे आप अंडर में आप ये सब चीजें कर रहे हैं, जैसे आपकी कोपर्टी यूज कर रहे हैं, कोई लिपेस लूप यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर की गलती की वजह से कुछ आपके प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, या फिर कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है, जैसे मैन मेड डिवाइसेज होती है उनमें कोई डिफॉल्ट आ जाता है, उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं।
नाउ कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक एमटीपी करने वाले के लिए। तो अगर आप एमटीपी परफॉर्म कर रहे हो तो आपने कम से कम असिस्ट किया होना चाहिए 25 एमटीपी केसेस में। अनदर इज गायनेको सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है उसको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ मेडिकली मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन, ये मेडिकली मेथड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बट आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकेंगे क्योंकि ये मिलते ही नहीं है। मेडिकली मेथड उन्हीं को मिल पाते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ओके, फर्स्ट आता है माइफस्टोन एंड मेजोप्रोस्टोल, माइफस्टोन की एक टेबलेट एंड द 4 टेबलेट ऑफ मेजोप्रोस्टोल। माइफस्टोन 200 mg एंड मेजोप्रोस्टोल ऑल्सो 200 mg ईच टेबलेट, तो 4 टेबलेट है तो 800 mg हो गया। ओके, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट जे अपन क्या लेते हैं, एक टेबलेट लेते हैं माइफेप्रिस्टोन की। ओके, उसके बाद में अपन वेट करते हैं ब्लीडिंग का और उसके बाद में एक टेबलेट मेजोप्रोस्टोल की लेते हैं, फिर उसको 6 to 48 hours के अंतराल में अपन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अपने को गाइस खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेवें इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये चीज़ें। आपको ब्लीडिंग इतनी भयंकर होती है कि स्पॉट टाइप में ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। ओके, तो आपको ये खुद से नहीं लेनी है, आई रिपीट खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेवें। अनदर इज मेथोटेक्सट्रेट एंड मेजोप्रोस्टोल, टेमोक्सिटेन एंड मेजोप्रोस्टोल। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सर्जिकली मेथड जो परफॉर्म होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में ही परफॉर्म किए जाते हैं, आप घर पे इसका यूज नहीं करें, आपको और भी कुछ हार्म हो सकता है। ओके, फर्स्ट आता है इसमें वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम से फिटस को बाहर निकालना, सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन से फिटस को डिस्ट्रॉय करना या फिर अबॉर्शन करना। तो गाइज ये थी आज की अपनी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें, और आपके नीचे घंटा दिख रहा है उसको जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आराम से नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।